जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का में दिस इज मानवेन प्रताप सिंह और आज का हमारा जो सेशन है वो होने वाला है कि हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज पेपर न्यूज पेपर नब्बे मिनट में या उससे कम में देखो न्यूज़पेपर की बात करें हिंदू जब मैंने ही पढ़ना पहली बार शुरू किया था तो आई हैव टेकन अराउंड टू डेज टू कंप्लीट वन न्यूज तो कहने का मतलब ये कि आप लोगों के साथ भी समस्या आई रही होगी और या सभी एस्पेट के साथ आती है कि हिंदू जो है पढ़ने में या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में काफी वक्त लग जाता है तो इसका सॉल्यूशन आज हम निकालने की कोशिश करेंगे आई विल ट्राई टू हेल्प यू कि कैसे आप जो है न्यूज़पेपर में आपके काम का टॉपिक्स पकड़ सकते हैं कैसे आप न्यूज़पेपर को थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर हम इस पर पहुंचे इससे पहले मैं बेसिक चीज थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा जो आपको सुननी होगी पहली चीज डू नॉट कट एंड पेस्ट द आर्टिकल ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ रहती है ये मैंने भी देखी है कि मेरे जो साथ के मित्र मित्र थे वो भी ये करते थे कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को फाड़ लेते थे जो फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसको फिर वो चिपकाते थे कॉपी में या फिर कुछ लोग जो हैं वो जो आपके ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं उसका यूज करते हुए उस पर आर्टिकल्स को चिपकाते हैं या जैसे जो पीडीएफ हम बता रहे हैं सेम टू सेम वही प्रिंट आउट करके रख ली तो ये चीज आपको नहीं करनी सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड दूसरी चीज जितना बड़ा आर्टिकल आता है उसमें सब कुछ काम का नहीं होता है उसमें से सिर्फ चार या पांच पॉइंट्स आपके काम के हैं एडिटोरियल में से मान लो दस बारह पॉइंट काम के हैं that's it, पूरा आर्टिकल रख के अपना बोझ बढ़ाने की क्या जरूरत है दूसरा स्टिक टू वन न्यूज एक समस्या और है भाई हिंदू पढ़े इंडियन एक्सप्रेस पढ़े फलाना पढ़े ढमकाना पढ़े भाई पहली बात तो सबसे पहली प्रायोरिटी रखो हिंदू की आजकल लोग इंडियन एक्सप्रेस भी कह देते हैं अब तुम चूज कर लो तुम्हारा रास्ता क्या है बट इनके अलावा तीसरा न्यूज़पेपर पे नहीं जाना है और आपको पढ़ना भी एक ही है अब वो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो चाहे हिंदू पढ़ो वो आपके ऊपर वो योर इट्स योर कॉल बट डो नॉट गो ऑन दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे न्यूज़पेपर भाई चौथे पांच साल से तैयारी कर रहे हो तो अलग बात है आपके पास बहुत टाइम हुआ सिलेबस बार कंप्लीट हो चुका है लेकिन जो नए एक्सप्रिय है जिनको एक या दो साल में यूपीएससी क्लियर करना एम है वो भैया एक ही न्यूज़पेपर पे स्टिक करिए दो दो न्यूज पेपर चेक करे मत फैं एक तो खत्म हो नहीं रहा दूसरा कैसे करोगे ठीक है फाइनेंशियल न्यूज बिल्कुल नहीं पढ़ना है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में अगर आप जो भी पढ़ते हो उसमें जो बिजनेस पेज आता है वहां से आप फाइनेंशियल फाइनेंशियल न्यूज आपकी कवर करिए ये जो आते हैं ना वो आपके काम के नहीं है उतना ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब कुछ आपको आर्टिकल्स का नहीं लिखना है उसमें से की पॉइंट्स की फ्रेजेस जो आपके काम के आपको लगते हैं वो न्यूज़पेपर में से नोट कर लेने हैं कॉपी में ठीक है तो ये पहले मैंने आपको एक बेसिक डायमेंशन दिया है कि, कि किस तरीके से आप न्यूज में जो है कुछ टाइम अपना कम कर सकते हो अब आते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है क्या प्रॉब्लम जो है आप लोग फेस करते हैं क्या क्या समस्या आपको होती है ठीक है हिंदी वालों के लिए भी द हिंदू ही ठीक है देखो आज की डेट में आजकल देखो हम लोग जो हैं वो आप लोगों के न्यूज पेपर एनालिसिस करते हैं बहुत सारे सोर्सेज हैं मैं कह रहा हूँ मैं नहीं आप बहुत सारे अलग अलग टीचर्स भी करते हैं आप उनका देख सकते हैं अन एकेडमी पे तो होता ही होता है साथ में और भी यूट्यूब चैनल्स पे होता है तो कहने का मतलब ये कि आपको जिसका अच्छा लगे आप उसका फॉलो करिए और न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश यही पढ़िए द हिंदू पढ़िए इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए क्योंकि जो हिंदी न्यूज़पेपर होते हैं ना उसकी जो क्वालिटी है वो उस लेवल की नहीं पहुंच पा रही है आर्टिकल्स की तो आप लोगों को यहाँ पे जब हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं काफी कुछ समझने में आने आ, समझने को मिलता है दूसरी चीज क्या सर एनालिसिस देखें कि सिर्फ न्यूज पढ़ने से काम हो जाएगा तो भाई देखो एनालिसिस देखो उसके बाद रीडिंग एक बार न्यूज़पेपर की जरूर करो एनालिसिस आपको टॉपिक को समझाने में मदद करेगा रीडिंग करने से क्या होगा आपको मेंस में लिखना कैसा है ना थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपका एनालिसिस देखने के बाद 30 मिनट तो ऐसे ही कम हो गया आपको 30-40 मिनट जो सोचना पड़ता समझना पड़ता उसके बाद भी कभी कभी समझ में नहीं आता तो वो आपका कम हो गया समझ रहे हो तो ये पहले बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई है समझना अब देखो ये न्यूज पूरा बड़ा सा है ठीक है अब आप यहाँ पे समय लगा रहे हो क्या लिखा हुआ है ऊपर क्यों लगाना भाई क्यों पढ़ना अब जैसे क्रिकेट के फैन हो तो पढ़ लिया क्रिकेट वाला क्यों पढ़ना यहाँ पे जैसे अब ये है विन आई मीन प्रो टर्म अटैक इसमें देखो इतना बड़ा ये लिख दिया इन्होंने आर्टिकल पर पूरा आर्टिकल आपके काम का है ही नहीं भाई कहानी तो वही है ना जो हमें पता है कहानी क्या है बताओ कहानी यही है कि कांग्रेस में कल इनको बनाने वाले थे पेटिन साहब को और लोगों ने भैया वहां पे बवाल किया अब इसको इन्होंने अंग्रेजी में इतना बड़ा लिखा हुआ है फिर यहाँ पे देखो उन्होंने ट्वीट करी हुई किस किस ने क्या ट्वीट पे ट्विटर पे बोला है तो वो चीज यहाँ पे आई है ठीक है यार ये जूम आउट कैसे होता है ठीक है ठीक है पर ये आर्टिकल आप तब भी पढ़ लो अब ये आपको समझ में आ रहा है कि ट्रम्प जी से रिलेटेड है यूएस से रिलेटेड इसको आपने पढ़ा ठीक है वेरी गुड इसके बाद देखो सिमिलर टू हांगकॉन्ग प्रोटेस्ट चाइना ये आर्टिकल आपको सही लग रहा है पढ़ लो स्टेट विल गेट वैक्सीन सून से हर्षवर्धन पढ़ लो ठीक है अब बदवन केस मेन अक्यूज हेल्ड वाइट यू हैव टू रीड इट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा समय बाद में आके पढ़ना पहले राउंड में इसको मत पढ़ो न्यूज़पेपर को दो तीन राउंड में पढ़ो पहला राउंड आप सिर्फ दो राउंड में पढ़ो मेरा ऐसा मानना है न्यूज़पेपर को आप लोग दो राउंड में पढ़िए ठीक है कितने राउंड में दो पहला राउंड जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दूसरा राउंड जो आपको लगता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है हमें पता करना है ठीक है फिर देखो क्या है फार्मर्स होल्ड रिहर्सल आर्ट डे ट्रेक्टर परेड क्यों पढ़ना अपने को क्यों समय वेस्ट करना ठीक है अनलॉफुल कन्वर्जन चार्ज ड्रॉपिन मुस्लिम मैन भाई आपको पता है अनलॉफुल कन्वर्जन वाला जो ऑर्डिनेंस है उत्तर प्रदेश के अंदर पता है ना आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है लीव इट डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस ठीक है इसके बाद देखो ये दूसरा पेज आया पूरा एडवर्टीजमेंट है सिटी दिल्ली के बारे में बात करी आप चेन्नई का पढ़ रहे हो तो उधर की बात करी होगी कहीं और का पढ़ रहे होगा वहां की बात करी होगी तुरंत पलटो पेज जल्दी से एक बार नजर डाल लो कोई स्कीम स्कीम तो नहीं आई है देखो आपको न्यूज़पेपर में देख के क्या चलना है आपको कोई पॉलिटी की न्यूज देख के चलनी है ज्योग्राफी का कोई मामला आया है कुछ इतिहास से रिलेटेड कोई चीज आई है कोई आपका स्कीम्स आई है नहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज अखबार पढ़ने से पहले सिलेबस को अपने हाथ में लेके बैठो अगर तुम्हें सिलेबस याद है तो तुम तुरंत पता कर लोगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बट इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर द सिलेबस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू हैव टू रीड और क्या आपको नहीं पढ़ना है समझ रहे हो मेरी बात तो सिलेबस जिसको याद नहीं है देखो पहले दिन याद नहीं रहेगा सिलेबस आपको फिर टाइम याद होगा तो सिलेबस तब तक प्रिंट आउट निकाल के सामने बैठो मान लो आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो कि भैया फला ने फला की पत्नी को मार दिया अब अपना सिलेबस उठाओ उठाओ सिलेबस में कौन से जीएस पेपर में आ रहा है कि उसकी पत्नी ने उसके पति को मार दिया सिलेबस में नहीं है ना तो कहने का मतलब है हमें हमें वही टॉपिक पढ़ने जो अपने, अपने सिलेबस में नजर आए टू वेस्ट योर टाइम यूपीएससी की एग्जाम के अंदर जो है समय जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय ही कम होता है सिलेबस बहुत ज्यादा होता है तो इन्वेस्ट योर टाइम वाइसली अपने समय का सदुपयोग करो ना कि दुरुपयोग करो 90 year old life after to for armed force देखो बहुत दुखद बातें हैं ये सब लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए ठीक है फिर देखो नजर दौड़ाओ दिल्ली सीज लेस देन थाउजेंड न्यू वायरस केसेस फॉर फोर्टीन इन रो पढ़ना है पढ़ लो जल्दी से राउंड मार लो यहां पे देखो अरविंद केजरीवाल जी की के न्यूज है पढ़ लो यूके की फ्लाइट्स को बैन करने को मना कह रहे हैं कि इकतीस तारीख तक कर दो ठीक है यही सब बातें यहां पे लिखी हुई है फिर बीजेपी यहां पे आया जहां पे कांग्रेस आया जहां पे आम आदमी पार्टी लिखा हो तुरंत छोड़ो क्या मतलब है ठीक है फिर ये देखो मेघालय लॉ मेकर्स आज टू यूनाइट फॉर आई एल पी इनर लाइन परमिट यह मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा था इसलिए मैंने आज की न्यूज पेपर में कवर भी नहीं किया था तो जो सुबह सेशन हुआ था सिक्स थर्टी पे लेकिन इनर लाइन परमिट आपको पता होना चाहिए अपने दिमाग में आप ये सोचो कि क्या आपको पता है इनर लाइन परमिट क्या है नहीं पता है सर्च करो उस पर नोट्स बनाओ पता है दिमाग में पढ़ लो एक बार जल्दी से रीड कर लो क्या है मामला रिफ्रेश हो जाएगा ठीक है सुप्रीम कोर्ट नोटिस तो राजस्थान हाउस स्पीकर सिक्स एमएलएस पढ़ लो क्या मामला है अगर कोई पॉलिटी की न्यूज आपको इसमें लगती है कोई आर्टिकल लगता है रिलेवेंट जो आपको नहीं पता है उसको सर्च करके नोट्स में डालो ठीक है फिर क्या है थ्री मोर यू के रिटर्न टेस्ट पॉजिटिव क्या मतलब है हमें ठीक है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हो रही हैं बट अपने को क्या मतलब है हाई कोर्ट टू स्टेट फ्रॉम पैनल टू ऑनलाइन कोसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ये पढ़ लो इंपॉर्टेंट है यार ये न्यूज छूट गई आज यार ये वाली न्यूज छूट गई है पढ़ लेना आप लोग वरना मैं कल बढ़ा दूंगा आज सुबह वाले सेशन में ठीक है फिर देखो कपिल शर्मा क्यूजर कॉमेडी कपिल शर्मा की कहानी है क्या करना है आपने को क्यों समय वेस्ट करना है इन सब चीजों में ठीक है अब जैसे ये है अगर अब पढ़ लो एक बार क्या है अब आपको यही नहीं जैसे बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी बहुत अच्छी बात है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी उनको समझ में नहीं आएगा क्या है बट स्टिल यू मस्ट अंडरस्टैंड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ठीक है फिर आप आ जाते हैं ऐसे करके देखो धीरे धीरे अपने एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाएंगे एडिटोरियल वाला पेज निकल गया लग रहा है ठीक है अब एडिटोरियल में देखो कैसे चूज करना होता है जैसे आज आप देखोगे ना एडिटोरियल में आपको क्या दिखता है कि यूएस में जो घटना घटी है अभी उसके बारे में तीन एडिटोरियल आए हुए हैं पेज पे ठीक है अब मेंस में सोचो कि किस टॉपिक से आप इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को जोड़ सकते हो मेंस के लिए एडिटोरियल का मोस्टली यूज कहां हो रहा है मेन्स में हो रहा है ऐसा फील आएगा कि ये जो घटना है इसका कोई एज सच यूज नहीं है डायरेक्टली तो फिर हमें इतना टाइम इस पर वेस्ट करने का क्या मतलब है हमें इसमें क्यों जानना है कि राइटर की क्या विचारधारा है राइटर की विचारधारा आपको वहां जाननी होती है जहां पे आपको मीन्स में आंसर लिखना होता है यहां पे ये न्यूज है आपने इसको न्यूज की तरह जब पढ़ लिया है वाइट टू रिपीट इट क्यों पढ़ना ठीक है फिर यहां पे देखो इन द ये फ्लू वाला जो इंस्टेंस है ये ठीक है इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ो कि जो अभी ये पक्षियों में फ्लू फैल रहा है समझ रहे हो फिर यहां पे देखो ओपिनियन लिखा हुआ है फेक न्यूज के ऊपर ठीक है अच्छी बात है पढ़ लो आगे बढ़ो धीरे धीरे देखो और एक चीज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि हर टॉपिक के बारे में लिमिटेड पढ़ाई करो जैसे फार्म लॉस पे डेली आर्टिकल आ रहे हैं इट नॉट मीन ना कि आपको फार्म लॉस को डेली पढ़ना है आप फार्म लॉस को आपने पांच दस आर्टिकल पढ़ लिया आपने हर तरफ का ओपिनियन समझ लिया आपको पता है कैसे कैसी क्या चीजें किसानों की क्या डिमांड है गवर्नमेंट क्या चाह रही है और जो और इसमें जो समस्याएं हैं वो क्या है ठीक है अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं जैसे मान लो ये है ये क्लीनर है पर मान लो कि ये पानी की बोतल है ठीक है इसमें पानी जो है वो यहीं तक फिल हो सकता है कहां तक यहीं तक अब आप जो है इस पानी को ऊपर तक फिल करके बाहर गिराने लग जाओ जैसे मैं नल ऑन कर दूं पानी जब यहां तक भर जाए तब भी मैं पानी भरने दे रहा हूं पानी बह रहा है पानी बह रहा है पानी बह रहा है अब आपका मैक्सिमम कैपेसिटी तो इतना ही है ना यूपीएससी में आंसर लिखने का यूपीएससी में भाई टू फिफ्टी वर्ड इस तरीके से आंसर लिखने का आएगा अब आपको मैया इतनी नॉलेज है क्या मतलब है लिख के तो इतना ही आना है वाई टू गेट कंफ्यूज सिंपल सी बात है और नॉलेज की बात क्या है एक टॉपिक की लिमिट होती है फार्म लॉ की लिमिट वो छू चुके हो आप लोग कोविड नाइनटीन की लिमिट आप छू चुके हो क्यों आपने ऑलरेडी इतना सारा उसके बारे में पढ़ लिया अब कुछ बचा नहीं है जबरदस्ती पढ़ रहे हो जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहे हो आपने फार्म लॉस पे ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं दस पेज के फिर कोई आर्टिकल आया फिर वही चीज नोट कर रहे हो क्यों कर रहे हो भाई समय ही तो सबसे कीमती चीज है समय को वेस्ट क्यों करना है समझ रहे हो सब मिला के देखो ये मैं न्यूज को पलट क्यों रहा हूं बेसिकली आपको मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि न्यूज़पेपर के अंदर सिलेबस को लेके बैठो पहली चीज दूसरी चीज अगर आप एनालिसिस देख के न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हो ना तो आपको ये 90 मिनट नहीं एक घंटे के कम लगना चाहिए और कम लगना चाहिए समझ रहे हो अगर जो लोग बिल्कुल एनालिसिस नहीं देखते हैं कुछ नहीं करते हैं वो भी नब्बे मिनट में खत्म कर सकते हैं लेकिन क्या ये पहले दिन से होगा नहीं दूसरे दिन से होगा नहीं कम से कम दस दिन दो न्यूज को पढ़ने में तीन से चार घंटे लगेंगे स्टार्टिंग में धीरे धीरे कम होगा फिर तुम नब्बे मिनट एक घंटे पे आ जाओ दैट्स दिस इज इट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे कहूंगा मैं यही कहूंगा कि अपना सिलेबस को साथ लेके बैठो फिर चाहे दिमाग में लेके बैठो चाहे सामने लेके बैठो क्योंकि सिलेबस नहीं होगा ना तुम पहचान ही नहीं पाओगे तुम्हें कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है अब एक पॉइंट आता है कि सर इससे नोट्स कैसे बनाए हाउ टू मेक नोट फ्रॉम द न्यूज ठीक है अब जैसे मैं आपको इसको एग्जाम्पल बता देता हूं देखो न्यूज जो आती है ना द हिंदू के अंदर जरूरी नहीं है कि उसमें आपका सारा का सारा करंट अफेयर कवर हो जाए जैसे कि मान लो एक टर्म यूज हुई थी आज के न्यूज़पेपर में आई एल पी इनर लाइन परमिट इट इज नॉट नेसेसरी कि द हिंदू ने इनर लाइन परमिट कवर किया हो उस न्यूज के अंदर कि इनर लाइन परमिट क्या है कहां दिया जाता है क्यों दिया जाता है स्टेट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है कौन देता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्मार्ट वर्क करना है आपको जब इनर लाइन परमिट के बारे में नहीं पता है आपको पता है कि आपने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना है है आपने कभी भी इसका नोट्स नहीं बनाया है। तुरंत पी के बारे में जाके गूगल पे लिखो आई एल पी यूपीएससी सर्च ठीक है कोई भी टॉपिक आपको दुनिया में जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा पता करना है उस टॉपिक को लिखो यूपीएससी लिखो गूगल पे सर्च कर दो दस से पंद्रह वेबसाइट आ जाएंगे यूपीएससी के एग्जाम की जो अच्छे अच्छी वेबसाइट है जिसपे आपको डिटेल में उसके बारे में मिल जाएगा वहां से उसको अपने नोट्स में डालो आपको टर्म सीखने की सीखने समझ रहे हो जैसे मान लो एक और बात ले लो उत्तर प्रदेश का ये ऑर्डिनेंस जो है कन्वर्जन वाला इसके बारे में न्यूज आई है ठीक है अब आपने जैसे आप लोग एनालिसिस देखते होगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने जब भी ऐसी कोई न्यूज पे टर्म यूज होती है हम उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं जो कि न्यूज़पेपर में नहीं होता है तो जिन्होंने वहां से पढ़ा होगा उन्होंने इसके नोट्स बना रखे होंगे उनको पता होगा कि भैया ये उत्तर प्रदेश अनलॉफुल ऑर्डिनेंस जो कन्वर्जन वाला आया है है ये क्या ठीक है? है? जिन लोगों को नहीं पता है जो जो सिर्फ खुद से पढ़ रहे हैं जो अभी नए नए आए और उन्होंने ऐसा टर्म देखा तो वो क्या करें तुरंत जाए गूगल पे लिखें यूपीएससी लिखें इसके बारे में नोट करें तो दीज आर द स्मार्ट वर्क आपको न्यूज पेपर में ये देखना है कि कुछ ऐसे टर्म्स यूज होते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कुछ इकोनॉमिक्स के ऐसे टर्म जैसे मान लो फिजिकल डेफिसिट हो रहा है ठीक है फिजिकल डेफिसिट एक टर्म यूज हो रहा है अब आपको पता नहीं है, है उनके बारे में तुरंत जाके स्टडी करिएगा समय व्यर्थ ना करिएगा ठीक है तो कहने का मतलब यह कि आपको न्यूजपेपर में से सिर्फ न्यूजपेपर में जो लिखा हुआ है वो नहीं लेना है उसके कंटेक्स में जो भी चीजें है वो आपको उठानी है कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदू के आर्टिकल में

अब भाई जिसको हांगकांग प्रोटेस्ट पता है बहुत अच्छी बात है जो रेगुलर फॉलो करते होंगे एनालिसिस उनको पता है कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है जैसे आज भी मैंने पढ़ा है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अब जो खुद से पढ़ रहे हैं भाई तो उनको हांगकांग प्रोटेस्ट पता होना चाहिए तो ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा रीडिंग करी चले गए भाई तुम्हें हांगकांग प्रोटेस्ट नहीं पता है तो पता करो ना क्यों नहीं पता है पढ़ो उसे समझ रहे हो तो ऐसे ही धीरे धीरे समय कम होगा जब आपको फ्यूचर में पता होगा कि जैसे मान लो आज आपको पता पड़ गया हांगकांग प्रोटेस्ट क्या है कल आप जब न्यूज पेपर पढ़ोगे तो आप जब हॉन्गकॉन्ग प्रोटेस्ट फिर से आएगा तो आपको उस पर डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं जो कि कि आपके दिमाग में वो ऑलरेडी है हैंग प्रोटेस्ट क्या है ईरान न्यूक्लियर डील यूज हुई टर्म अब जिनको नहीं पता ईरान न्यूक्लियर डील क्या है तो तीस तो मिनट लगेंगे ना पढ़ने के लिए तो आज पढ़ लो एक बार पढ़ लो पर जिंदगी भर के लिए तो समझ में आ गया ना फिर आपको तो नहीं करना ना समझ रहे हो तो दिस इज इट गाइस यही तो तरीके थे जो मैं ये कहना चाहता था और आई थिंक मेरी बातें जो हैं आप लोगों को क्लियर हुई होंगी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मैं आपको बताता हूं जो है ना गलत है मैंने गलत बनवाई है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पेपर नब्बे दिन मिनट में में पढ़ो स्टार्टिंग तुम्हें घंटे भी लगेंगे पांच घंटे भी लगेंगे मैं बता देता हूं एक बात समझना न्यूज रीडिंग इज डायरेक्टली प्रपोशनल टू योर नॉलेज न्यूज रीडिंग टाइम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू योर नॉलेज अगर तुम्हें नॉलेज होगी तुम्हारा न्यूज़पेपर रीडिंग का समय अपने आप कम होता जाएगा तुम्हें नॉलेज नहीं होगी न्यूज़पेपर रीडिंग का समय अपने आप बढ़ता रहेगा बात समझ लो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम 60 मिनट 40 मिनट में न्यूज़पेपर खत्म कर लोगे तुम्हें बहुत नॉलेज है तुम 40 मिनट में खत्म कर लोगे नो इश्यू नो प्रॉब्लम पर तुम्हें नॉलेज नहीं है तुम्हें तीन घंटे चार घंटे भी लगेगा पर देखो वो कहते हैं ना कोई भी वहां पर पहुंचने शिखर में पहुंचने वाला आदमी कभी भी बिगनर था तो जब हमने भी शुरू किया था अभी जब किसी बहुत बड़े बंदे ने भी शुरू किया होगा जो आज चालीस मिनट में खत्म कर रहा है न्यूज उसको भी स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगा होगा आई एम मैं अपने याद करा, याद कर रहा हूं दो साल ढाई साल पहले जब मैंने क्लासेस uh, लेना शुरू किया था uh, पढ़ाना शुरू किया था तो हिंदू एनालिसिस भी ना एक बहुत बड़ा मसला है हिंदू एनालिसिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड ये बहुत बेचीदा चीज है मतलब इसको पढ़ाना भी एक अलग पूरा अपने आप में कॉन्सेप्ट है तो भाई इसको डेली पढ़ना डेली करना उस समय मुझे न्यूज पढ़ने में बहुत समय लगता था क्यों बहुत सारी ऐसी टर्म्स यूज होती थी पता ही नहीं है क्या चल रहा है समझ रहे हो अब क्या होता है दो साल से पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हो चुका है कि पिछले दो ढाई तीन साल करंट अफेयर्स दिमाग में है है ना कोई टर्म यहाँ पे यूज होती है अपने को ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज है हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन तब क्या होता था जब स्टार्ट किया था मैंने मान लो कोई टॉपिक आया मुझे पता ही नहीं है तो अब मैं एक घंटा उसी के बारे में पढ़ रहा हूँ फिर पढ़ा पाऊंगा समझ रहे हो मेरी बात तो ये क्या होता है विथ टाइम आपकी नॉलेज बढ़ेगी आपका टाइम कम लगेगा तो कोई अगर सात मिनट में कर रहा है छोड़ दो तुम्हें समय लग रहा है लगा लो पर आज लगाओगे तो कल तुम्हारा समय बचेगा इसीलिए थोड़ा सा एनालिसिस देखने का फायदा हो जाता है कि हम बेसिक्स से बता देते हैं जैसे कि आज प्रोटेस्ट प्रोटेस्टम यूज हुई मैं चाहता तो नहीं एक्सप्लेन करता जो कि मैंने पहले भी किया हुआ है बट मैंने आज पूरा हॉगकॉन्ग प्रोटेस्ट एक्सप्लेन कर दिया ना तो कहने का मतलब है ये आपका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने का मेरा देखो जो सिक्स थर्टी एम पे डेली से चैनल पे होता है या फिर आप किसी और टीचर का देखो एवरी वन टेल्स द बैकग्राउंड एवरी वन टेल्स द रिलेवेंस ठीक है तो ये चीजें होती हैं तो दिस इज इट गाइस कोई डाउट है आपके तो आप पूछ लीजिए अब सिंपल सी बात है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके नॉलेज का ठीक है गुलफशा असलम बोल रही है बिगनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट मोहित ने क्वेश्चन रेस किया है गार्डिंग वॉकैब्स एंड टर्म्स अदर देन गूगल मोहित वही तो बात है ना वॉकेबिलरी स्टार्टिंग में कमजोर होगी द हिंदू को डेली बहुत नई नई वॉकेबिलिरी यूज नहीं कर रहा है सेम चीजें यूज हो रही हैं और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना आपको अपने एग्जाम में मेंस में कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ी अंग्रेजी लिख के आनी है बहुत भारी भारी वर्ड्स लिख के आने नहीं नॉर्मल लिखो कुछ की होते हैं जो आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ोगे वो यूज करो दैट्स इट दिस इज इट तो आप जब स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो ठीक है आपको कुछ सची समझ में नहीं आ रही होगी समझ में आता है जैसे एक विसल ब्रोवर टर्म थी मुझे याद है जब मैंने पहली बार तैयारी शुरू करी थी विसल थीवर का मतलब नहीं पता पता था मैंने सर्च किया अब पता है क्या होता है जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना जो बता रहा हूँ आप तो आपको समझ में थोड़ी दिक्कत होगी आप अपने आप उसको सर्च करोगे बार बार वही टर्म्स रिपीट होती हैं, फिर आपको बार बार उसको ढूंढना देखना नहीं पड़ेगा ठीक है जैनीत कह रहे हैं सर पीआईबी पीआरएस योजना कुरुक्षेद पढ़ना जरूरी है क्या देखो मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन लोगे कुछ जरूरी नहीं है मत पढ़ो न्यूज़पेपर पढ़ो प्लस एक मंथली मैगजीन कोई सी भी अच्छी कंपनी की कोई भी अच्छे कोचिंग uh, इंस्टीट्यूट की कोई भी अच्छे जगह की इवन अनकेडमी की आर्टिकुलेट आती है कोई भी एक मैगजीन प्लस न्यूज़पेपर पे स्टिक कर जाओ बस देखो मैं आपको एक बात बताता हूं डोंट रन टुवर्ड्स द क्वांटिटी रन टुवर्ड्स द क्वालिटी अगर तुम्हारे पास कम नॉलेज है लेकिन क्वालिटी है

कि उनको हर सब्जेक्ट में इतना ज्यादा नॉलेज हो चुका है जो कि चार से पांच साल से पढ़ रहे हैं वो ठीक है अब जब आंसर आता है तो लिख के इतना आना होता है उसमें अब इतने नॉलेज में से इतने चुनने में भी आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लिख के आए समझ रहे हो जो पहले दूसरे अटेम्प्ट में होते उनका क्या होता है कि भैया इतना लिखना है नॉलेज ही इतनी है समझ रहे हो तो लिख के आ गए किसी किसी को इतना लिखना है नॉलेज इतनी है लिख के आ गए काम हो जाता है नंबर तो वही एक सौ दस एक सौ पंद्रह सबको मिलने होते हैं भाई जीएस में बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं किसी को भी जीएस पेपर पेपर में नंबर आप कहा खींच सकते हो ऑप्शनल में खींच सकते हो एथिक्स के पेपर में खींच सकते हो एस में खींच सकते हो जीएस पेपर में भैया एवरेज स्टूडेंट के तेज बच्चे के दो पांच दस पंद्रह नंबर ऊपर नीचे होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम असली नंबर का जो खेल होता है वो ऑप्शनल एथिक्स एंड एस में होता है वहां पर मेहनत करो उसमें से अपना टारगेट चुन लो यहाँ पे सभी के एवरेज नंबर रहने तो एवरेज नंबर रहने तो बहुत ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है एवरेज एवरेज नॉलेज रखो Important keywords रखो। एक चीज जो मैं मैं आपको मैंने पहले भी request किया मैं फिर कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट के से के के, के, के। के बना लो। ठीक है? इसमें key लिए आप लिखो टारगेट हमेशा mains को लेके चला करो प्रीलिम्स तो चलो एक है ही है पर मेंस को दिमाग में हमेशा रख के रखोगे तभी आगे सक्सेसफुल हो पाओगे क्योंकि प्री निकल भी गया अगर मेंस की तैयारी नहीं हो तो मेंस तो कभी नहीं निकल पाएगा समझ रहे हो तो मेंस में क्या करो जैसे कि चालीस पेज अब जैसे आज हमने एक आर्टिकल पढ़ा कि फेक फेक न्यूज न्यूज को चार पीस बढ़ा रहे हैं ठीक है अब सबसे पहला काम करो कि फेक जा कि जाके देखो आपके सिलेबस के किस जीएस में आएगा जिस जीएस में आएगा जिस टॉपिक के अंदर आएगा उसके अंदर जो जीएस हर जीएस वाइज कॉपी बना लो या तो जीएस वन जीएस टू जीएस थ्री जीएस फोर या सब्जेक्ट वाइज बना लो इट्स ऑल अप टू यू अब मान लो आपने जोन से भी जीएस में डाला उस जीएस की जब कॉपी आप बना रहे हो तो उसमें आप ये फार, वाला आपका नोट करोगे कि फेक न्यूज से रिलेटेड कल को मेंस में ये लिख के आओगे आपका नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा तो कहने का मतलब ये है कि भैया स्मार्ट स्टडी करो तरीके से पढ़ो मेहनत करो सब कुछ अच्छा होगा समझ रहे हो और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दो यार है ना आप बोलोगे सर बस यही कहते हो ठीक है यार सब कुछ ठीक है एक चीज दिमाग से अभी निकल गई मेरे गाइज अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ठीक है यार कहां से होगा ये जस्ट अ सेकेंड है ना तो गाइज इफ यू हैव नॉट टेकन एकेडमी सब्सक्रिप्शन टिल नाउ जस्ट जाओ सब्सक्रिप्शन लो यहां पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको मेरी गाइडेंस चाहिए इंडिया के बेस्ट टीचर की गाइडेंस चाहिए तो आपको यहाँ पे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा यहाँ पे आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना होगा सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड एमपीएस हियर यू विल गेट टेन परसेंट का डिस्काउंट आफ्टर यूजिंग दिस कोड दूसरी चीज आप यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का भी एडवांटेज उठा सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में होता क्या है तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तुम कुछ पढ़ रहे हो तुम फलाना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट में तुम्हें डाउट आ रहा है तो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स बात करेंगे और वहां अगर तुम मेरा कोड यूज कर लोगे MPS, तो इन एक्सपर्ट से तुम्हारी बातचीत होती रहेगी साथ में तुम मुझे भी एज ए अपने बड़े भाई की तरह अपने सहायता में प्राप्त करोगे ठीक है पूरे एग्जाम तक तो आपको मेरी भी गाइडेंस मिलती रहेगी तो कोड आपने यहाँ पे यूज करना है एमपीएस टेन का डिस्काउंट मिलेगा पैसे बचेंगे प्लस यहाँ पे आपका बेनिफिट भी होगा आप अपने ऑप्शनल की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं ठीक है तो दिस इज इट गाइज यहां पे कोर्स जो है एमपीएस मत भूलिएगा बारह जनवरी से वैसे एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है प्रिलिम्स ट्वेंटी वन के लिए अगर प्री तुम्हारा टारगेट है तैयारी ऊपर नीचे लग रही है तुम्हारे लिए वो कोर्स है जाओ उसमें एनरोल कर लो ठीक है चलो अब यह कनकन आपकी मर्जी के ऊपर है बट ऑफकोर्स इट विल बेनिफिट यू देखो सब्सक्रिप्शन जरूरी है नहीं जरूरी ये तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन एक बात आप समझ लेना इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको मेंटरशिप जो है वो बहुत जरूरी है यू नीड अ प्रॉपर मेंटर यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस फिर चाहे वो आप अनकेडमी में हमारे साथ लो या फिर वो आप कहीं भी ढूंढो इट्स ऑल अप टू यू बट दिस एग्जाम कैन नॉट बी क्वालिफाइड विदाउट प्रॉपर गाइडेंस फिर चाहे वो आप कहीं से भी लो इट डज नॉट मैटर बट वो लो ठीक है तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे हमारा तो आपको हमारी तो गाइडेंस मिलेगी मिलेगी साथ में आपको सब्जेक्ट्स भी पढ़ने की एक बहुत अच्छी सहायता मिलेगी आपको बहुत कम बुक्स रेफर करनी होंगी टीचर्स सारे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जिनकी बुक्स आप पढ़ते हो टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी आप लोग फेस कर पाएंगे बट डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड है ना एम अगर आप चाहते हो कि मेरे कनेक्शन में बने रहो और मेरी थोड़ी थोड़ी मदद प्राप्त करते रहो तो दिस इज माई कोड विच यू हैव टू यूज ठीक है चलिए अब कोई डाउट है इस सेशन से रिलेटेड तो बताओ सेशन को एंड करते हैं ना सर हाउ टू डू न्यूज पेपर ऑफ बिगिनर एंड आल्सो इम्प्रूव जावेद आप लेट हो लग रहा है भाई सेशन को स्टार्टिंग से देखना यही बताया है मैंने यार एस्पायर टू इंस्पायर ये क्वेश्चन मुझे भी पूछना है कि अन अकेडमी की मैगजीन मिलती कहां कहाँ पे बट आर्टिकुलेट करके आती है हर मंथ अब मैं आज इस बारे में बात करता हूं टीम से ठीक है यस yes, कन कण मैं तो हुई नैन्सी शर्मा आई विल टेल दिस इन टुमारो सेशन 6:30 पे टोमोरो मैगजीन कहां मिलती है बट आर्टिकुलेट करके हमारी मैगजीन आती है दिस इज आई नो शिवांगी गोला कोचिंग्स की हिंदी में मैगजीन आती है इंग्लिश में भी आती है ठीक है तो आर्टिकुलेट इंग्लिश में भी आती है हिंदी में भी आती है ऐसे और कोचिंगों की भी इंग्लिश में भी आती है हिंदी में भी आती है तो आप हिंदी वाली ले लीजिए देखो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें तीन साल बाद देना है चार साल बाद देना है हम अभी से कोचिंग तैयारी कर लेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने ले, अभी किसी ने पूछा है तो मैं इसका एक ही जवाब दूंगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो पैसा चाहे कोचिंग के लिए चाहे अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा तो सजेशन है कि यही लेना चाहिए क्योंकि जिस कॉस्ट में हम आपको चीजें दे रहे हो कोई नहीं देगा बट अगर आप कहीं और भी लेते हो तो मेरा ये कहना है आप इस बात को समझिएगा कि सब्सक्रिप्शन आपको ये जरूरी थोड़ा कि आपको अगले साल देना है तो अब आज से ही लो मतलब इस साल ही लो भाई रेस आपको देखो सिंपल एग्जाम्पल देता हूं मैं बहुत ही सिंपल बात करता हूं मुझे रेस लगानी है सौ मीटर की ठीक है मुझे परसों के दिन मतलब आज से मुझे पता है कि आज से चार साल बाद ओलंपिक्स होने वाले हैं और मुझे जाना है उसमें रेस करने के लिए ठीक है बहुत सारे अब इसमें तीन टाइप के लोग हैं ए बी और सी ए कहेगा कि चार साल बाद रेस है तो मैं आज से दो साल बाद तैयारी शुरू करूंगा बी कहेगा कि भैया चार साल बाद रेस है तो मैं आज से तीन साल बाद तैयारी शुरू करूंगा और जो ए है वो कहेगा कि चार साल बाद रेस है तैयारी शुरू करूंगा हर कोई विराट कोहली सचिन तेंदुलकर एम एस धोनी नहीं बन सकता क्योंकि ये बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो भैया तुम अपनी तैयारी पहले से करोगे तो तुम्हारा ही तो फायदा है जब तुम लोग एक बात सोचो तुमने आज सब्सक्रिप्शन लिया अकेडमी का तुमने आज से अपनी तैयारी कर ली तुम्हारा सारा जीएस का सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया स्टैटिक वाला पार्ट खत्म हो गया तुम ये सोचो कि जब पूरी दुनिया जीएस पढ़ रही होगी तब तुम्हारी जीएस कंप्लीट होगी तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर देखना है और जीएस को रिवाइज करना है क्या चाहिए ये जितने लोग फर्स्ट ईयर में अटेम्प्ट क्लियर करते हैं ना वो एक साल में क्लियर नहीं करते हैं दे आर वर्किंग हार्ड फ्रॉम लास्ट टू थ्री ईयरस आप देख लेना जो उनको क्लोजली जानते होंगे सच्चाई बताएंगे मैं आपको बता रहा हूं लॉट ऑफ देम को मैं जानता हूं जो पहले अटेम्प्ट में निकले यूपीएससी एंड दे से दे हैव क्लियर द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट जो बिल्कुल सही बात है बट इट नॉट मीन कि उन्होंने सिर्फ साल तैयारी करी है दे आर वर्किंग फॉर देयर गोल फ्रॉम बहुत पीछे से कोई दो साल पहले कोचिंग किया हुआ है कोई तीन साल पहले कोचिंग किया हुआ है किसी ने पहले गाइडेंस ली हुई है किसी ने बाद में गाइडेंस ली हुई है तो द थिंग इज दिस इस बात को समझिए ज्यादा जो मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं उसके बहकावे मत जाया करिए ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है जो बात है वो साफ है खुद देख लो ये सिलेबस

डेढ़ साल तो चाहिए ही चाहिए एक से डेढ़ साल दो साल ये मिनिमम है ठीक है तो कहने का मतलब है कि आप उसको अगर आज से तैयारी शुरू कर देंगे तो उसमें आपका ही फायदा है ना किसी और का फायदा नुकसान थोड़ो है तो गो फॉर इट यार इफ यू कैन अफोर्ड इट तो लो लो सब्सक्रिप्शन खत्म बात चलो अब मेरी एक बात सुनना अगर आप लोगों को मेरे से कनेक्टेड रहना है और मेरी क्लासेस जो है वो समय समय पर अटेंड करनी रहे तो एक मेरा टेलीग्राम चैनल इससे जुड़ जाओ है ना टेलीग्राम चैनल की लिंक है अन अकेडमी मानवेंद्र ठीक है ये सर्च करना टेलीग्राम पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा उससे जुड़ जाइएगा प्लस आप मुझे अनएकेडमी के ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं सर्च करके मानवेंद्र ट्वेंटी एट से आप लोग जब अनकेडमी के ऐप पे मुझे सर्च करेंगे तो मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की आपको क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेज आप अटेंड कर सकते हो पूरा मॉडर्निस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है फ्री ऑफ कॉस्ट बिना एक रुपए दिए हुए तो ये स्मार्ट स्टडी है इस चीज में पैसा देने की जरूरत नहीं है पढ़ना है पढ़ पाओ तो पढ़ लेना ठीक है 28 से ऐप पे जाके फॉलो कर लेना तो दिस इज इट गाइस दैट्स इट दिस इज आर टुडे सेशन कोई भी आंसर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो मैं कमेंट पढ़ता हूं मैं जवाब कमेंट में रिप्लाई करूंगा हंसते रहो मुस्कुराते रहो पढ़ाई करते रहो लगे रहो हार्ड वर्क करो विध स्मार्ट वर्क